हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपना आज एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 बायो का लेसन फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक जो होगा वो होगा हम लोग का सर्कुलेशन। मैं जानता हूँ कि मैंने एसिडिटी सिस्टम के कुछ बारे में बताया है बट उसको मैं सर्कुलेशन के बाद आपको बताऊंगा जिससे सिक्वेंशियल हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलते हैं उस टॉपिक को इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है उसमें जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर मेरे टॉपिक बताए हुए सभी क्लियर हो रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं जो भी टॉपिक डिस्कस करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिलता रहे। मैं इसी आशा के साथ आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नेम है सर्कुलेशन। चलिए सर्कुलेशन जानेंगे। व्हाट इज सर्कुलेशन? तो आप बताएंगे इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच फूड मटेरियल्स मीन्स न्यूट्रिएंट एंड गैसेस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ बॉडी to another place। तो आप बता सकते हो बेटा इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच फूड मटेरियल दैट मीन्स न्यूट्रिएंट एंड गैसेस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ बॉडी टू अनदर। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको सर्कुलेशन की डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद सर्कुलेशन के बारे में जिसने फर्स्टली बताया उस साइंटिस्ट का नेम था विलियम हार्वे। तो आप बताएंगे सर्कुलेशन वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट डब्ल्यू हार्वे जो सर्कुलेशन है इसको फर्स्टली जिसने प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नेम था विलियम हार्वे। तो इस तरीके से सर्कुलेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ओके, तो फर्स्टली हम लोग जान लेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। चलिए हम लोग डिस्कस करें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। बताएंगे आप लोग इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट ओपन सर्कुलेशन
फर्स्ट ओपन सर्कुलेशन, सेकेंड क्लोज सर्कुलेशन। तो आप याद रखना, सर्कुलेशन जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेशन, सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेशन। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ओपन सर्कुलेशन। व्हाट इज ओपन सर्कुलेशन? फर्स्ट हम लोग क्या जानेंगे, ओपन सर्कुलेशन। Open circulation. तो आप बताओगे यहां पर कैपिलरी की स्पेलिंग सही कर लेंगे हम लोग। कैपिलरी बता देंगे आप, कैपिलरी इज ऑब्सेंट कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन। तो आप बताएंगे जब किसी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ओनली आर्टरी एंड वेन के थ्रू होता है, कैपिलरी ऑब्सेंट होता है, तो वो होता है आपका ओपन सर्कुलेशन। ओके, अब इसके बाद एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा आपसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें होता है, तो आप बताना आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल में हो जाएगा हनी बी। एग्जाम्पल में आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसके बहुत सारे मेंबर हैं, जिसमें से आसान एक मेंबर मैं आपको बता दिया हनी। तो इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो आपका ओपन टाइप का होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सर्कुलेशन जानेंगे जिसका नेम है क्लोज्ड सर्कुलेशन। चलिए क्लोज सर्कुलेशन को जाने, इसको रिलीज कर दिया जाए। क्लोज्ड सर्कुलेशन, बताएंगे आप वेन सर्कुलेशन अकर इन बॉडी थ्रू आर्टरी वेन एंड कैपिलरी को क्लोज सर्कुलेशन।
क्या बताओगे? ब्रेन सर्कुलेशन अगर इन बॉडी, अगर किसी बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, अब वो सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है? आर्टरी भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वेन भी इन्वॉल्व हो रहा है और कैपिलरी भी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब पूरे बॉडी में क्लोज पाथ में हो रहा है, कहीं भी ब्लड ओपन स्पेस में फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये होगा आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन को ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बर्ड्स और भी एनिमल जो आपके वर्टिब्रेट है, मोस्टली वर्टिब्रेट, सभी में आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ओके बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो वी डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया है, वैसे ही हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप बता सकते हैं द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच Involve in circulation called circulatory system। मतलब ये कहने का the parts of body which involve इन सर्कुलेशन एंड, और अच्छे से डेफिनेशन को इसमें एड कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन और अच्छा कर लेंगे, एंड फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा, the parts of body which involve in circulation form a system, and this system is called as circulatory system. We are now discuss about parts of circulatory system. कौन कौन से parts हैं जो circulatory system में involve होते हैं हमारे body के, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए study करेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स को कंसिस्ट करता है? थ्री पार्ट को कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट पार्ट इज ब्लड, सेकेंड इज हार्ट, एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स।
इसको सीक्वेंस कर ले तो हम लोग अर्थलिन नहीं सही है ये हो जाएगा आपका ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये थ्री पार्ट्स हैं जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं। फर्स्टली होता है ब्लड, इसके बाद सेकेंड होता है आपका हार्ट एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करें ब्लड, इसको हम लोग जानेंगे ब्लड का क्या रूप है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि ब्लड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं आपको क्लियरली जो बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने सर्कुलेशन में आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं यहीं पर अपने वीडियो में जो लेक्चर आपको बता रहा हूं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, उसको एंड करता हूं। ओके, थैंक यू।